हैं तो सबसे पहला जो एक आवाज होता है वो इनकी होती है। मैं चाहूंगा आकृति भारती हम सभी के बीच आ चुकी है, काइंड प्लीज कम ऑन द स्टेज। थोड़ा सो तो मचा ही सकते भाई, प्लीज। आकृति मैम के बारे में एक बार बताऊं कि जब फिल्म का शूट चल रहा था तो जितनी ये फेयर है उनको बिल्कुल डल दिखाना होता था, तो बहुत ही कमाल का डायरेक्टर ये इसी के लिए जिंदा है सर हम लोग, कि मेरी बात लोगों तक लेके जाए, मीडिया वाले जाए। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ सेवन स्काई फीलिंग। बहुत जबरदस्त स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। मैं फिल्म करियर ऑनेस्टली से बताऊँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं। मैं फिल्म शुरू करता एमएस का द ब्लैक डेट, पहली फिल्म थी टेंशन और लॉकडाउन था तब, उस टाइम मैं सब लोग छुपे हुए हीरोइन कहाँ से लाई थी, मेरी फ्रेंड थी जो पास में था, ये पंजाब में बहुत काम करते थे। मैंने यार आकृति मुझे ना हीरोइन चाहिए, ये शी वॉज वेरी हैप्पी। मैं कहा पैसे नहीं बैठेंगे लेकिन कहती कोई बात नहीं। पिक्चर चली, मैडम शूट पे ऐसे ही तैयार होकर आती थी और पूरी यूनिट सोचती थी इतनी महंगी हीरोइन कहाँ से ले ली। फिर फिल्म बनी, अच्छा रिस्पांस आया। एक दिन मैं चाय पी रहा था इनके साथ, मैंने कहा आकृति जिस दिन बॉलीवुड बनाऊंगा ना अपनी पहली हीरोइन तुम्हें बनाऊंगा। तो मैंने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि आप फिल्म बना रहे हैं। मैडम को यकीन नहीं हो रहा, छोटे बजट पे या खुद पे? अपने आप पे, मैं तो बना रहा था, मुझे तो यकीन था। इस रोल के लिए मैंने चायवाले की बीवी बन गया। मैं चायवाले की बीवी? मैं कहा जैसे काम वाले होते हैं ना, एक प्रोफेशन होता है। मैं कहा मैं जानू मेरा काम जाने, आप तैयार हो के आ जाना। वहाँ फिर मैं तैयार होगी कैसे आऊंगी? मैंने कहा ऊपर से नीचे तक का पेंट। Seriously, मेरे फूट्स भी पेंट हुए हैं ब्लैक। Do you really believe that? मेरे पैर भी ब्लैक properly मेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ ये वाइट दिख रहा था, ये वाइट दिख रहा था, ये बैक वाइट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से वाइट नहीं दिखना चाहिए। सो फुली ब्लैक पेंट हुआ है literally। अच्छा अनुभव कैसा था आपका? एक ये फिल्म पूरी जो है गरीब लोगों के ऊपर है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ में अलग हैं, लेकिन फिल्म का किरदार बिल्कुल अलग है। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी। सीरियसली मैंने विपिन सर को कहा था, मैंने कहा सर, सर ने मुझे बोला कि आकृति जितनी गंदी दिख सको ना उतनी गंदी दिखना। मैंने कहा सर प्लीज नहीं, मैंने कहा सर हल्की सी लिपस्टिक लगाने दो, नहीं। मैंने कहा सर मस्कारा लगाने दो, थोड़ा तो ग्लैम दिखाओ, नहीं दिखाना तो मैं डी ग्लैम दिखाना है। बोला चाहो तो नहा के भी मत आना। सर ऐसा मत करो। Do you really believe that कि हमने I think 15 days shoot किया है, 15 days में daily मैंने वो गंदी साड़ी पहनी है, daily वो गंदा ब्लाउज, सब कुछ ऐसा ही पहना है। मतलब वॉश नहीं करना, जितना उसको चाहो तो नीचे रगड़ दो एंड देन वेयर इट। मैंने कहा ओके सर, वॉट एवर यू से। मैंने कहा सर आप बोलोगे जमीन पे लेटना, मैं लेट जाऊंगी। आई रियली वॉन्ट अ गुड वर्क, इफ यू सेटिस्फाई आई एम सो हैप्पी। थैंक यू।